गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ, यानी कि अपनी ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है गाइज, वो हो रहा है, आप लोग खुद ही देख लीजिए, वो हो रहा है 10 बज रही है, अभी मॉर्निंग की 10 बज रही है सुबह की। तो गाइज, आज बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास, झाड़ू पोछा कपड़े धोने हैं, बहुत ज़्यादा काम है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ स्टेप बाय स्टेप मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या नहीं कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हुई है, क्योंकि मैं नहाई धोई कुछ नहीं हूँ। अभी मैं सबसे पहले नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर खाना पीना खाऊँगी, उसके बाद मैं यहाँ का जो डेकोरेशन है उसको सही करूँगी, मतलब जो मेरा घर मैसी पड़ा हुआ है उसको सही करूँगी। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि घर कैसा हुआ है, आप लोग देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा कंप्यूटर टेबल कितना ज़्यादा गंदा हुआ है, मैसी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाना है। किस तरीके से मैंने चेयर, ये देख सकते हैं आप, कोई यहाँ पे गिरे हैं सामान तो कोई वहाँ पे, और देखिए ये कूड़ा कूड़े वगैरह इतना गंदा हो रखा है। साथ ही साथ बेडरूम की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई है, इसे भी मैं सही करूँगी अभी। ये देखिए गाइस, पूरा घर मैसी पड़ा हुआ है। ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धोने हैं, कोई कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, कोई वहाँ पड़े हुए हैं, और कुछ इधर पड़े हुए हैं। ये सारे कपड़े मैंने अभी वॉश करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे झाड़ू लगाना है, क्योंकि मौसम आजकल थोड़ा, आज का जो मौसम है ना यहाँ पे थोड़ा अजीब सा है, मतलब बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश आ रही है, और कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी आई और जो पूरी धूल है वो सारे अंदर कमरों में आ गई। पता नहीं यहाँ पर हम दरवाज़ा भी बंद रखते हैं उसके बाद भी धूल अंदर आ जाती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया यहाँ पर। और गाइस खुद ही देख लीजिए आप लोग, कमरा बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ के जो कंप्यूटर टेबल की हालत है बहुत ही ज़्यादा बुरी है, कोई चेयर इधर कोई चेयर उधर पड़ी हुई है, तो यहाँ भी सही करूँगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा वेदर दिखा दूँ बाहर का। ये देखिए आप लोग बाहर हमारी बालकनी, मौसम देखिए आप लोग, बहुत ठंडा हुआ है मौसम, हल्के 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 क्या बादल लगे हुए हैं, और कल शाम को यहाँ पर बारिश भी आई थी रात में, देखिए आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले गाइस मैं गाइस मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया है मैं पूजा करूंगी और फिर खाना खाऊंगी, नाश्ता करूंगी, उसके बाद जो मेरा काम होगा ये घर का जो डेकोरेशन है उसे करूंगी। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, देखिए मैं किस तरीके से अपना पूरा दिनचर्या करती हूँ, यानी कि अब मेरा जो पूरा दिन यानी कि मेरा जो पूरा दिनचर्या है वो कैसा है। तो चलिए आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नहा के आ रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं नहा चुकी हूँ और आज मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बाल वॉश नहीं किए थे अपने, क्योंकि मेरे को डैंड्रफ की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था जहाँ पर मैंने मामा अर्थ के शैम्पू का आपको रिव्यू किया था, उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी मुझे, लेकिन मैंने उस टाइम पर वो शैम्पू यूज़ किया 5-6 महीने लगभग, तो ठीक रहा। लेकिन कुछ दिनों से मैं उस शैम्पू को यूज़ नहीं कर रही हूँ, और जब से मैं गुड़गांव में आई हूँ, घर से अपने मायके से गुड़गांव में आया, तब से मेरे फिर बालों में डैंड्रफ हो गए हैं और फिर वही परेशानी मुझे हो रही है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, मैं अभी एक और नया शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ उस शैम्पू से अगर मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है तो मैं उसका रिव्यू आप लोगों को ज़रूर दूंगी। और अभी मैं अपना स्किन केयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने स्किन पर, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, गुड वाइब्स का रोज ग्लो वाटर अपने फेस पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले यही लगाऊंगी अपने फेस पे, क्योंकि ये हमारे फेस को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है। तो उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर क्रीम। ये मेरा खत्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत यूज किया था, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा रहा हुआ है ये, अब मैं इसे यूज करूंगी, क्योंकि मॉइस्चराइजर अगर हम पूरे दिन में लगाएं तो बहुत अच्छा होता है हमारे फेस के लिए। और मैंने ये निविया का मॉइस्चराइजर काफ़ी यूज़ किया है, लगभग 1 साल तो होने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे मॉइस्चराइजर। चाहे आप इसे समर में लगाओ, विंटर में लगाओ, बहुत अच्छा होता है ये मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है, अब मैं अपने फेस पे लगाने जा रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन ई नर्सिंग फेस क्रीम। इसका रिव्यू भी शायद से मैंने दिया हुआ है, और उतना मुझे इतना पता नहीं है, शायद दिया है नहीं दिया, अगर नहीं दिया है तो मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों को काफ़ी जल्दी दे दूंगी।
तो अभी मैं इसको लगाऊंगी गाइस। हाथ छोड़ रहे इसको, पता नहीं कैसे। एक चीज और बोलना चाहूंगा गाइस, आज है 6 मार्च और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो देखते हैं शाम को क्या होता है। वैसे तो हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन घर पे करेंगे जो भी करेंगे, बट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। छोटी सी क्लिप होगी लेकिन शेयर जरूर करूंगी कि किस तरीके से हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाकी गाइज आप लोग देख सकते, मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो चुका है और अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद जो मेरा घर का काम है उसे करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो जैसे गाइज मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पूजा करने आ रही हूँ नीचे, तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ और अभी मैं जल लेके तुलसी पे चढ़ाने जा रही हूँ। उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने पूजा कर ली है और अभी किचन में मैं थोड़ा रोटी बना रही हूँ। क्योंकि गाइज हम क्या करते हैं ना, जो हमारे ऑफिस जाने वाले लोग रहते हैं, जैसे पापा हुए, देवर हुए मेरे, तो उन लोगों का हम पहले ही बना देते हैं रोटी और अपने लिए हम बाद में गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं, क्योंकि ठंडी रोटी में स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं अभी रोटी बना रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं गाइज मेरा जो खाना मैंने यहाँ पे लिया है वो है राइस और छोले और एक रोटी। सुबह का नाश्ता मेरा यही रहता है और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल भी ये मत करना कि मैं इतनी जल्दी खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट कर ली है। अगर मैं वीडियो फास्ट नहीं करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो को अपलोड होने में, इसीलिए मैंने वीडियो एकदम फास्ट कर ली है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने कपड़ों को धोने के लिए। आप लोग देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हैं मेरे और मैंने यहाँ पे लगा ली है मशीन। तो गाइज मैं खाना पीना खा के आ चुकी हूँ अपना और अभी मैं अपने कपड़े वॉश कर रही हूँ। जो भी मेरे कपड़े थे, बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा घर मैसी पड़ा हुआ था, तो बहुत सारे कपड़े मुझे धोने हैं। तो अभी मैं मशीन में इन कपड़ों को धोऊंगी, उसके बाद जो मेरा नीचे का झाड़ू पोछा है उसे मैं करूंगी। यहाँ पे गाइज मैंने एक ही बारी में सारे कपड़े डाल दिए हैं अपने, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कुछ ही कपड़े थे, तो मैंने एक ही बारी में सारे कपड़े डाल दिए हैं। इससे टाइम भी मेरा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और फटाफट से काम भी हो जाएगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और अभी मैं सारे कपड़ों को धूप में सुखा दूंगी और ये डाल रही हूँ मैं अपने बालकनी में इन कपड़ों को, जो भी मैंने कपड़े धोए हुए हैं।
कपड़े मैंने धो लिए हैं क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम कपड़े धोने में लगता है और कपड़ा धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग भी धोते होंगे तो। सबसे पहले मैंने कपड़े निपटा लिए हैं, धो के निपटा लिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं पर लगता है। और अब मैं करूँगी अपने कमरों की सफाई क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा कमरे कितने ज़्यादा मेरे खराब हुए हैं। उसके बाद फिर दोपहर का कुछ नाश्ता बनाऊंगी। तो चलिए तो गाइस काम करते करते मैं यहाँ पे थोड़ा सोफा खिसका रही थी और मेरे नाखून पे एकदम पांव के नाखून पे चोट लगी और थोड़ा दर्द हो गया। गाइस ऐसा तो होता ही है, हम कोई काम करें और हमें चोट ना लगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। चोट वोट तो लगती रहती है और तो मेरे पांव में भी थोड़ा चोट लगी थी, थोड़ा ज्यादा ही दर्द हो रहा था। फिर भी मैंने कहा कि नहीं काम तो आधा छोड़ना ही नहीं है। फिर भी मैंने सारा झाड़ू पोछा कर लिया, जो भी मुझे घर का काम करना था वो फिनिश कर लिया है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा कंप्यूटर टेबल साफ कर रही थी, बहुत ज्यादा गंदा हुआ था क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आंधी आई थी यहाँ पे कल रात। तो आंधी आने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी आ गई थी तो मुझे साफ करना पड़ा क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखते हैं और अगर हम कंप्यूटर रखें और उसके नीचे पूरी मिट्टी हो तो हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है, इसीलिए वहां पे मैं सफाई कर रही हूँ। मेरा सारा काम हो चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितने सारे मेरे कपड़े थे धोने के लिए, झाड़ू पोछा सब मैंने फिनिश कर लिया है। अब कुछ देर में शायद से 2-3 बजे के लगभग मैं कुछ बनाऊंगी, लंच करूंगी, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और बाकी शाम को क्या फंक्शन होता है घर में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज हस्बैंड का बर्थडे है जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो देखते हैं किस तरीके से उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। ज़्यादा बड़ा हम करने वाले नहीं हैं, बस जो भी होगा घर में ही होगा, हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था मैं दोपहर में कुछ बनाऊंगी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पोहा बनाया हुआ है। और सॉरी पोहे की रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई तो वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी। और साथ में हम यहाँ पे पोहे के साथ लस्सी ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं मैं पोहे क्या मजे से खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। इसके अलावा गाइस थोड़ी देर में हमारे घर में कीर्तन होने वाला है जिसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शूट करूंगी। और एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोग सोचेंगे कि घर में कीर्तन है और मैं खाना खाए जा रही हूँ क्योंकि गाइस आज है एकादशी और मम्मी का फास्ट रहता है एकादशी का, तो मम्मी ने सोचा क्यों ना उनके बेटे का बर्थडे भी है तो घर पे कीर्तन कर दिया जाए। तो थोड़ी देर में यहाँ पे कीर्तन होने वाला है, चलिए कीर्तन में आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी, तब तक मैं पोहे खा लूं क्योंकि मेरा फास्ट नहीं है। हम लोग कीर्तन करना शुरू कर रहे हैं तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि जब हम कीर्तन शुरू कर रहे थे मतलब शाम के 4:30 बज रहे थे और इतनी भयंकर यहाँ पे बारिश आ गई, मतलब
लग ही नहीं रहा था कि बारिश आएगी यहाँ आसपास। आप लोगों ने पहले देखा ही होगा, अच्छी खासी धूप थी और अचानक से यहाँ पे बारिश आ गई। हमें ऐसा लगा ही नहीं था कि आज बारिश भी आएगी और बहुत खतरनाक बारिश आई और इतनी ज्यादा बारिश आई। मैं आपको अभी जस्ट दिखाऊंगी वीडियो में कि कितनी यहाँ पे बारिश आने के सिर्फ एक घंटे की ये बारिश आई थी और क्या हाल कर गई ये बारिश। और अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं केक लेने। कीर्तन हमारा हो चुका था और अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, बारिश एक घंटे के लिए आई थी और पूरी सड़कें मतलब गीली वीली कर दी, पानी भर गया पूरी जगह। और मौसम देख सकते हैं अभी तो अच्छा मौसम हुआ है। लेकिन साथ ही साथ गाइज अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को मेक श्योर लाइक करके जरूर जाना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में इनका बर्थडे हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बारिश आ गई थी जिस वजह से हमें कीर्तन अंदर करना पड़ा, वैसे हम बाहर ही पे करते कीर्तन। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे बारिश आई थी और अभी तो बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे वही सीन है, बारिश आती है पूरा जाम हो जाता है और बहुत सारा सड़कें फुल भर जाती हैं क्योंकि पानी जाने का होता ही नहीं है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है सड़कों में। तो गाइज अभी हम लोग केक लेके आ चुके थे और अभी ये केक कट कर रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि हम दो दो केक लेके आए हैं। हाँ जी, वो इसलिए लाए हम क्योंकि मुझे फ्रूट केक अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक अपनी पसंद से लेके आई हूँ और एक मेरी तरफ से इनको मैंने केक गिफ्ट किया है। और क्या मैंने इनको गिफ्ट में दिया है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इनको बर्थडे गिफ्ट क्या दिया है। और देख सकते हैं आप लोग, हम लोग सभी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। Thank you.